यह है मेघालय सीरीज का एपिसोड 2 का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ब्रिज के ऊपर से नीचे का जो नजारा देखने लायक है। अब पानी देखो एकदम साफ, जैसे कि लोग है अभी हैंगिंग ब्रिज पे और ब्रिज कंटिन्यू ऐसे ऐसे हिल रहा है। देखो ऐसे ऐसे हिल रहा है ब्रिज, ऐसे ऐसे हिल रहा है। हाँ, हम भी इस ब्रिज पे 15 पीपल्स के ज्यादा कोई भी नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि ब्रिज बहुत ही पुराना है, बहुत ही वीक है। इसलिए यहाँ पे सामने लिखा है 15 पीपल एक साथ चढ़ सकते हैं और कोई नहीं। और हम लोगों का जो ब्राइड एंड ग्रूम है, वो लोग जब ब्रिज पे चढ़ रहे थे, स्पेशली ग्रूम, वो बहुत ही डर रहा था, अभी भी डर रहा है। वो बहुत ही डर के मारे आया यहाँ तक, एटलीस्ट आया ब्रिज के थोड़ा सा सामने आया, पूरा ब्रिज तक वो नहीं आया, थोड़ा सा सामने आया, वो भी तब भी अभी भी वो डर रहा है। फिर भी दिल पे पत्थर रह के वो आया, क्योंकि उसको फोटो तो खींचना है, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा वीडियो भी ले लिया, अभी फोटो भी हो रहा है। और ब्रिज बहुत ही हिल रहा है अभी फिलहाल, बहुत ही हिल रहा है सच में। कभी कभी डर भी लगता है, पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही सेफ्टी के साथ इस ब्रिज को बनाया गया है। हाँ, ऊपर देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप लोग देख सकते हो रोपवे में जा रहा है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ऐसे जा रहा है। लोग यहाँ पे ऐसे ही मतलब जाते आते हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक। तो चलो अभी यहाँ से हम लोग निकल के जाएंगे दूसरे लोकेशन पे, चलो देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है। नीचे जो आप लोग देख सकते हो बोर्ड, कितना साफ पानी है, कितना साफ पानी आप लोग देख सकते हो। बोर्ड जो जा रहा है, बोर्ड का जो छाव है वो एकदम नीचे पानी के नीचे पत्थर पे आ रहा है, पत्थर पे दिखाया जा सकता है, इतना साफ पानी है। देखो तो अभी हम लोग आए डाउकी पे, मतलब डाउकी रिवर साइड पे, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। ऐसे बहुत सारे सीढ़ी है, ऐसे बहुत सारे सीढ़ी उतर के जाना पड़ेगा नीचे। ये है डाउकी साइड, ये है डाउकी रिवर। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग पे, क्योंकि बोटिंग पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे बोट से आइलैंड तक, आइलैंड पे जाके होगा शूट। तो चलो जाते। तो ये है हम लोगों का बोट और मैं बैठने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ, चलो। तो हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं, हम लोग जाएंगे अभी सीधा आइलैंड की ओर, और वहाँ पे होगा और वहाँ पे जाने के बाद होगा बाकी का शूट। ब्रिज और नीचे पानी देखो कितना साफ, एकदम नीचे का पत्थर भी दिखाई दे रहा है, इतना साफ है पानी, नीचे का पत्थर भी दिखाई दे रहा है। मछली दिखाई दे रहा है। अच्छा, पानी इतना साफ है कि नीचे मछली भी दिखाई दे रहा है। वो देखो कितने ऊपर उठ के मछली पकड़ रहा है वो, इसको नौका के शायद छोड़ के गया और वो इधर से चढ़ के ऊपर उठ गया, ऊपर से भी मछली पकड़ रहा है।
तो हम लोग आके पहुंचे फिलहाल आइलैंड पे। ये है आइलैंड, पीछे आइलैंड में जाएंगे, वहाँ पे होगा थोड़ा सा फोटो वोटो खींचेंगे, शूट होगा। पीछे नहीं है, ऊपर कैमरे में तो आ रहा है, वो जादू से आ गया। चलो इस लोकेशन पे हम लोगों का शूट खत्म हो चुका है, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं होता है, बोट का जो टाइमिंग होता है उस हिसाब से हम लोगों ने 15 मिनट ही कर पाया। तो चलो उस हिसाब से हम लोगों ने शूट भी खत्म कर लिया। पर मैंने जो जब यहाँ पे मैंने ड्रोन उड़ाया, ड्रोन का कुछ शूट लिया था, सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था ड्रोन पे, पता नहीं क्यों, पहले तो ठीक ठाक दिखा रहा था, बाद में ड्रोन का सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। पर चलो कुछ नहीं, शूट हो गया आखिर। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस दूसरे लोकेशन पे, मतलब पहले वाले एक और साइड पे, वहाँ पे जाएंगे जाके, हो सकता है अगर टाइम मिला तो थोड़ा बहुत शूट वहाँ पे करेंगे, नहीं तो देखते क्या होता है। चलो वहाँ पे जाके मिलते हैं। ये है डाकी का सब बोट्स, और उस साइड पे बांग्लादेश, बांग्लादेश बॉर्डर है, ये उस साइड पे सब बांग्लादेश। मैगी और साथ में होगा चाय, तो चाय आ रहा है अभी फिलहाल, मैगी से काम चलाते हैं। देखो बुलटा तो आने के बाद तुरंत खाना शुरू, हमेशा मैंने मतलब क्या बोलूँ, उसको खाना मिलते ही उसको रहा नहीं जाता, घुस जाता खाने में, घुस जाता। मतलब हमेशा जब खाना आता है, सबसे पहले खाना आते देर नहीं होता, खाने पे टूट पड़ता है हर टाइम देखा। तो चलो मैं भी शुरू करता हूँ। तो अभी हम लोग आए एक रेस्टोरेंट पे, सामने ही है जो रिसोर्ट से, रेस्टोरेंट पे हम लोग अभी थोड़ा सा कॉफी वॉफी पियेंगे। तो चलो रेस्टोरेंट, तो मैं जिस रेस्टोरेंट पर आया, इस रेस्टोरेंट से पहले आते सैनिटाइज कर लो, उसके बाद चलो अंदर। यह रेस्टोरेंट का अंदर का नजारा, यह वेलकमी साइड, तो अभी हम लोग जब रिसोर्ट से निकले पार्किंग साइड पे आके थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों के कार के सामने एक और कार था, तो वो हटाने के लिए वो पार्किंग एरिया से कोई गया लाने, तो चाबी लेकर आया, वो आके पार्क को हटाया थोड़ा सा, तो क्या हुआ, उसने हम लोगों की गाड़ी पे थोड़ा ठोक दिया था, तो थोड़ा सा ही ठोका, पर एक स्क्रू है वो खोल के आ गया, तो इसलिए हम लोग तो ऑब्वियसली ये उन लोगों के एरिया पे तो कुछ नहीं बोल सकते, फिर भी वो बंदा आके सॉरी बोरी बोला, फिर भी जो भी हो बाद में वो 500 रुपीस हम लोगों के जो ड्राइवर दादा है उनके उसके हाथ पे देखे गया, क्योंकि गलती उसका ही था। जो भी हो अभी आए उसके बाद भी, अभी हम लोग रेस्टोरेंट पे है फिलहाल, पीछे सेटअप रेडी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा फोटो और वीडियो शूट भी कर लेंगे साथ में, कुछ खाएंगे पियेंगे और साथ में शूट भी हो जाएगा, क्योंकि टाइम क्यों वेस्ट करें, वैसे टाइम लोग नहीं है हम लोगों के पास, तो टाइम नहीं वेस्ट करना, जहाँ पे भी जाना है जो भी करना है साथ में शूट भी होना चाहिए। तो चलो अभी अंदर जाते थोड़ा सा शूट वूट ले लेते और साथ में कुछ खाएंगे पियेंगे। तो चलो आज के लिए इस वीडियो के यहाँ पे करते खत्म, वीडियो कैसा हो आप लोग कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर बोलो, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक शेयर कर देना, और साथ में मेरे चैनल पे न्यू सकते हैं प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट जो कल सुबह आने वाला है।